कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग। आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग। आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कुछ अपनी तारीखें और कुछ वजूद पर करें नजर, कहां से कौन है हम हर हुदूद पर करें नजर। वक्त के साथ साथ कैसे लड़ी वक्त ने है जंग। आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग। आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। उर्दू जबान के साथ दिल्ली का रिश्ता माँ और बेटी का है। दिल्ली की गोद में उर्दू का जन्म हुआ और बड़े मुश्किल हालात से गुजरते हुए इस जबान ने एक लंबा सफर तय किया और दुनिया की मशहूर जबानों में अपना मकाम बना लिया। उर्दू जबान की कहानी का आगाज बजाहिर हिंदुस्तान में मुसलमानों की आमद से होता है, जब अरब फातिहीन ने सिंध में अपनी हुकूमत कायम की और तुर्क फातिहीन ने हिंदुस्तान को अपना वतन बनाया, तो वो अपने साथ एक अलग रस्मुल ख़त और अलग ज़खीरे अल्फाज लेकर आए, जो इस्लाम के दामन में पला था और एक पूरे तहजीबी व सकाफती विरसे से मालामाल था। हिंदुस्तान की मकामी ज़बानों के साथ मिलकर फातिहीन की ज़बान ने एक नया आहंग और नया लबो लहजा इख्तियार कर लिया और वक्त की रफ्तार के साथ बतदरीज एक नई जबान वजूद में आ गई, जिसमें हिंदुस्तानी मिट्टी की खुशबू रची बसी थी और जिसको गंगा व जमुना के पवित्र पानी ने सींचा था। संस्कृत के संस्कारों ने जिसकी तहजीबी व सकाफती लौ को रानाई बख्शी थी। ये जबान जिसको अमीर खुसरो दिल्ली की जबान कहते थे, कभी हिंदवी कहलाई, कभी रेख्ता और कभी दूसरे नामों से जानी गई, आखिर में इसका नाम उर्दू करार पाया। जिसको आज हम उर्दू कहते हैं, एक ज़माने में रेख्ता उसका नाम था और बाद में वो उर्दू बना, तो उर्दू जो है अपने में एक ज़बान नहीं है, वो कुछ फारसी ज़बान, हिंदी ज़बान, संस्कृत ज़बान, सब ज़बानों का एक मिश्रण है, जिसको लश्करी ज़बान भी कहा गया। कि मुख्तलिफ लोग इलाक़ों से अलग अलग ज़बानें बोलने वाले जो आपस में कम्युनिकेशन के लिए एक दूसरे से बात करने के लिए जो उन्होंने एक आसान ज़बान होती उसे उर्दू कहा गया है। उर्दू दरअसल एक ज़बान ही नहीं, एक तहजीब का नाम है, मुश्तरका तहजीब, कंपोजिट कल्चर जिसे हम कह सकते हैं। और ये ज़बान जो है खालिस हिंदुस्तानी ज़बान है। मेरठ के गिरदो नवाह में इसका आगाज़ इर्तका हुआ। ब्रज भाषा से निकली है ये ज़बान। मुख्तलिफ माहिर लिसानियात की ये राय हैं कि ये खड़ी बोली की बदली हुई शक्ल है और ये बहुत इसकी शीरनी और मिठास की वजह यही है कि ये मुशरक ज़बानों की आमेजिश है इस ज़बान के अंदर। और उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दाग, सारे जहाँ में धूम हमारी ज़बाँ की है। ये दिल्ली के बड़े मारूफ शायर हैं जो गालिब के हमअस्र थे, उन्होंने इस ज़बान की पेज़ीराई करते हुए ये शेर दर्ज किया है। और गौर करने की बात तो ये है कि इसमें उन्होंने हमारी ज़बान इस्तेमाल की है, ना कि मेरी ज़बान। हमारी जो है एक कलेक्टिविटी की तरह का इजहार करता है, इज्तमाईत का इजहार करता है, कंपोजिट कल्चर को एक्सप्रेस करता है, जाहिर करता है। हमारी ज़बान जिसमें सभी गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको रिप्रेजेंट करती है ये ज़बानें। उर्दू ज़बान की तारीख जानने से कबल
हिंदुस्तान में राइज जबानों की लिसानियाती तकसीम से वाकिफ होना जरूरी है। दुनिया में राइज मुख्तलिफ जबानों की सोती, सरफी और नहवी खसूसियात की बिना पर उन्हें माहरीन लिसानियात ने 8 खानदानों में तकसीम किया है। इन 8 खानदानों में सामी, हिंद चीनी, द्रावड़ी, मुंडा, अफ्रीकी की बांतू, अमरीकी, मलयाई और हिंद यूरोपी का शुमार होता है। सामी खानदान में बहुत सी अहम जबानें आती हैं। अरबी इसकी एक अहम शाख है। द्रावड़ी से हिंदुस्तान की बहुत सी अहम जबानों का सिलसिला मिलता है। ये जबानें जनूबी हिंदुस्तान में राइज हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम इसी की मशहूर शाखें हैं। लेकिन उर्दू और हिंदी का जिस खानदान से ताल्लुक है वो हिंद यूरोपी है। जदीद हिंद आर्याई जबानों के आगाज का जमाना 1000 ईस्वी से ताहाल है। ये जमाना हिंदुस्तान में मुख्तलिफ लिसानी, तहजीबी और सियासी तब्दीलियों का जमाना रहा है। इस जमाने में सियासी और तहजीबी तब्दीलियों और उनके मेलजोल से हिंदुस्तानी जबानों में अहम तब्दीलियां रूनुमा हुई। इनकी अलग अलग लिसानी खसूसियात की वजह से एस के चटर्जी ने जदीद हिंद आर्याई जबानों को मुख्तलिफ इलाकों में तकसीम किया है। इनमें मगरबी बोली को उर्दू के इर्तका में बड़ी अहमियत हासिल है। मगरबी लहजे की 5 बोलियां हैं जो दुआबे की शूरसीनी अभ्रंश से ताल्लुक रखती हैं। पहली खड़ी बोली, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सीचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। दूसरी हरियाणवी, तीसरी ब्रजभाषा, चौथी कन्नौजी और 5वीं बुंदेली। खड़ी बोली पर उर्दू की बुनियाद कायम है। दीगर 4 बोलियों का असर भी कमोबेश उर्दू पर कहीं ना कहीं नजर आता है। उर्दू का जो इवोल्यूशन हुआ वो नेचुरल प्रोसेस में हुआ। एक और अहम बात ये भी है कि जो नेशनलिज्म या आइडेंटिटी का तसव्वुर है वो मुगलिया दौर में या औरंगज़ेब के बाद तक मौजूद ही नहीं था। ना कोई हिंदू आइडेंटिटी थी, ना कोई मुस्लिम आइडेंटिटी थी, बल्कि एक हिंदुस्तानी आइडेंटिटी थी, जिसको आप गंगा जमनी तहजीब भी कहते हैं एक हिस्से की ज़बान को। तो वो इसीलिए गंगा जमनी तहजीब हुई कि उर्दू और हिंदी आइडेंटिटी का अलग अलग तसव्वुर नहीं था। फारसी में एक कहावत है, अज दिल खेजत बर दिल रेजत, यानी दिल से जो आवाज़ निकलती है वो ज़बान से जो बात निकलती है वो दिल पे असर करती है। उर्दू की सूरत हाल यही है। उर्दू की खसूसियात में ये शामिल है कि जब ये कोई बोलता है, कोई कारी हो, कोई शायर हो, कोई मुसन्निफ हो, कोई अफसाना निगार हो, कोई नाविल निगार हो, जब वो अपनी बातें सामने रखता है, सामीन के रूबरू पेश करता है, तो उसकी शीरनी, लताफत, गहराई, गिराई सुनने वाले को, देखने वाले को मुतासिर करती हैं और उसके दिल में घर कर जाती हैं। ये उर्दू की अपनी एक शनाख्त है, अपनी इनफरादियत है, जो हिंदुस्तानी कल्चर, हिंदुस्तानी तहजीब की भी नुमाइंदगी करती है। चूँकि एक गुलदस्ता, जिस तरह गुलदस्ते में मुख्तलिफ किस्म के, मुख्तलिफ अनवा अकसाम के फूल होते हैं, उर्दू की भी मिसाल एक गुलदस्ता की तरह है कि इसकी जबान, इसके ओरिजिन में मुख्तलिफ ज़बानें हैं। संस्कृत भी है, फारसी भी है, अरबी भी है, उर्दू ज़बान, उर्दू इटसेल्फ, उर्दू के कुछ हल्के ज़बान भी हैं, हती कि कुछ डायलेक्ट्स भी इसमें शामिल हैं। जब कोई बोलने वाला उर्दू ज़बान बोलता है तो उसकी कशिश उसके कानों में एक शहद घोलती है। उर्दू ज़बान का आगाज़ शिमाली हिंद में हुआ, लेकिन इसको अदबी रूप और इल्मी फ़न की ज़बान बनाने में सबसे बड़ा किरदार जनूबी हिंद का है। दरअसल उर्दू ज़बान पैदा तो दिल्ली में हुई, लेकिन इसको तरक्की और उरूज दक्कन में मिला। बहुत सारे लोगों ने ये कोशिश की कि जो उर्दू है वो बिल्कुल अरबी और फारसी बन के रह जाए, मगर चूँकि उर्दू का 300 साल तक इवोल्यूशन नेचुरल या फितरी तरीके से हो चुका था, तो इसलिए वो कोशिश हमारे यहाँ कामयाब नहीं हुई।
जस्टिस मारकंडे काड़जू का एक नजरिया ये है कि अहदे वस्ता के हुक्मरान खानदान हमेशा गैर मुल्की जबान बोलते रहे। मसलन बरतानवी शाही घराने में फ्रांसीसी बोली जाती थी, इसी तरह हिंदुस्तान के शाही घरानों में तुर्की और फारसी का चलन रहा। जुनूब हिंद में उर्दू जबान भी गैर मुल्की जबान थी, इसलिए वहाँ के शाही घरानों में उर्दू को वही मकाम हासिल हुआ जो शिमाल में तुर्की और फारसी को हासिल था। इसलिए आदिल शाही, कुतुब शाही और बहमनी सल्तनतों में उर्दू की बड़ी तरक्की हुई। 18वीं सदी के आगाज में वली तकनी या वली औरंगाबादी उर्दू को लेकर शिमाली हिंद आए। वली के आशिकाना लहजे ने शिमाली हिंद के फारसी गोशोरा की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। वली की हिंदी तरकीबों और खूबसूरत तशबीहात ने शिमाली हिंद को एक नए जौक से रोशनास किया और शिमाली हिंद के शोरा भी मुंह का जायका बदलने के लिए उर्दू में शायरी करने लगे। उर्दू जबान के दौरे अव्वल के शोरा में मीर, सौदा, दर्द और सोज का शुमार होता है। दिल्ली की तबाही के बाद मीर, सौदा और सोज ने नकल मकानी की और लखनऊ चले गए। दर्द ने इंतहाई मुश्किल हालात के बावजूद दिल्ली को नहीं छोड़ा। मीर ने अपनी उम्दा शायरी की वजह से दिल्ली और लखनऊ में अपना बुलंद मकाम बनाया। उनके सामने दूसरे शोरा की शमा शायरी की लौ मध्यम हो गई थी। उर्दू गजल गोयों में मीर को वही शायराना अजमत हासिल है जो हाफिज शिराजी को फारसी गजल गोयों में हासिल है। वो शहनशाह गजल थे, ये खुदाए सुखन थे। मीर दिल्ली को छोड़कर चले तो गए, लेकिन इस तरह गए जैसे किसी अजीज को कब्रिस्तान में दफन कर आए हों। उनकी जबान पर अजमत दिल्ली के नगमे तड़पते थे। दबिस्तानी दिल्ली के दूसरे दौर के शोरा में मिर्जा गालिब और इनके मुआसरीन अहमियत रखते हैं। गालिब आगरा में पैदा हुए, दिल्ली में शादी हुई और फिर यहीं के होकर रह गए। उन्होंने उर्दू और फारसी दोनों जबानों में शायरी की और दोनों ही जबानों में नस्र भी लिखी। बहैसियत शायर मिर्जा गालिब का मकाम तमाम उर्दू शोरा में सबसे बुलंद है। गालिब के ऊपर अब तक तकरीबन गालिब इंस्टीट्यूट ने 100 से ज़्यादा सेमिनार किए हैं, 200 से ज़्यादा मुजाकरे किए हैं, गालिब के नाम पर 50 से ज़्यादा मुशायरे किए हैं और सिर्फ गालिब के ऊपर 75 से ज़्यादा किताबें गालिब इंस्टीट्यूट ने अब तक शाये की हैं। और गालिब इंस्टीट्यूट की जो लाइब्रेरी है जिसमें 25,000 किताबें हैं, उसमें तकरीबन 1800 किताबें जो मुख्तलिफ ज़बानों में हैं, सिर्फ उर्दू ही में नहीं बल्कि वो उर्दू में भी हैं, फारसी में भी हैं, हिंदी में भी हैं, अंग्रेज़ी में भी हैं और दूसरी बड़ी ज़बानों में हैं, वो गालिब के ताल्लुक़ से हैं। तो उर्दू ज़बान व अदब का अहाता ये इदारा सिर्फ नहीं कर रहा है बल्कि गालिब को भी अपने अंदर समेटे हुआ है। और जितनी बड़ी तादाद में गालिब के ताल्लुक़ से, गालिब की शायरी के ताल्लुक़ से गालिब इंस्टीट्यूट में काम किया है, मैं पूरे दावे के साथ और पूरे वसूख के साथ कह सकता हूँ कि दुनिया के किसी इदारे में, दुनिया के किसी ऑर्गेनाइजेशन में इतना काम नहीं हुआ है जितना काम गालिब इंस्टीट्यूट में हुआ। तो गालिब इंस्टीट्यूट की तारीख पर अगर हम नज़र डालें तो गालिब इंस्टीट्यूट की बुनियाद ही गालिब की तकरीब के ऊपर रखी गई थी। गालिब तकरीबात जो गालिब इंस्टीट्यूट जिसको मनाता है, जिसकी इब्तिदा 1969 में हुई थी जब गालिब सेंटेनरी मनाई गई थी, और वो पहला सेमिनार जो गालिब के ताल्लुक से हुआ था जिसमें तकरीबन 30 मुल्कों के अदीब और शायर आए थे और उन्होंने अपना मकाला पेश किया था, उस दिन से लेकर के आज की तारीख तक 40-45 साल का अरसा हो चुका है और आज भी हम गालिब की यौम विलादत और गालिब की यौम वफात के मौके पर बड़ी तकरीबात का इनेकाद करते हैं। अब्दुलरहमान बिजनौरी ने गालिब के मुख्तसर उर्दू दीवान के बारे में कहा है कि हिंदुस्तान में दो इलाही किताबें हैं,
एक वेद मुकद्दस और दूसरा दीवान गालिब। खुद गालिब भी अपनी शायरी को इल्हामी मानते थे। कहते हैं, आते हैं गैब से ये मजामी ख्याल में, गालिब सरीर खामा नवाए सरोश है। गालिब की शायरी के बारे में सिर्फ यही कहा जा सकता है कि उर्दू जबान व अदब की तारीख पर अगर आप नज़र डालें तो तीन सदियों ने तीन बड़े शायर दिए। 18वीं सदी का सबसे बड़ा शायर मीर तकी मीर, 19वीं सदी का सबसे बड़ा शायर गालिब, 20वीं सदी का सबसे बड़ा शायर इकबाल। अगर इन तीनों सदियों के शोरा की ज़िंदगी को देखा जाए तो हमें इस बात का अंदाज़ा होता है कि गालिब इन तीनों सदी की शायरी पर हावी है। अगर हम आज के तनाजुर में उन तीनों सदियों को देखते हैं, इसलिए कि गालिब एक आफाकी शायर है, गालिब पर आज 1500 से ज़्यादा किताबें शाये हो चुकी हैं और गालिब के कलाम के तर्जुमे दुनिया की हर बड़ी ज़बान में हो चुका है। हिंदुस्तान का हर पढ़ा लिखा शख्स जिसका ताल्लुक़ अदब से, सभ्यता से, कल्चर से और दूसरे साहित्य से है, वो गालिब को पढ़ना समझना अपनी ज़िंदगी का एक ख़ास हिस्सा समझता है। जब तक उर्दू ज़बान व अदब का उरूज है, उर्दू ज़बान व अदब ज़िंदा है, तब तक गालिब की शायरी को याद किया जाएगा, गालिब को याद किया जाएगा, दिल्ली की तहजीब को याद किया जाएगा, दिल्ली के कल्चर को याद किया जाएगा और दिल्ली की तारीख। मिर्ज़ा गालिब का जिक्र हो और जगजीत याद ना आए, ऐसा तो शायद हो ही नहीं सकता। जिस तरह गालिब के नाम के साथ मौलाना हाली का नाम जुड़ा हुआ है, उसी तरह गालिब की गजल के साथ जगजीत का नाम भी जुड़ गया है। गालिब के सहर आफरी और आफाकी कलाम को अपनी धुन और लय और खूबसूरत आवाज के जरिए जगजीत ने सारी दुनिया में शोहरत बख्शी है। ये नदी हमारी किस्मत, ये नदी किस्मत। सरहद की दूसरी जानिब भी बहुत से ऐसे गजल गाने वाले थे जिन्होंने कलाम गालिब को जिंदगी दे दी। गालिब के मुआसरीन में एक बड़े शायर हकीम मोमिन खां मोमिन भी एक अहम मकाम के हामिल थे। नाजुक ख्याली, नुदरत असलूब मोमिन का इनफरादी रंग था। उनकी शायरी में माशूक फरेबी की रिवायत उनको एक अलग ही मकाम अता करती है। शेख इब्राहिम जौक बहादुर शाह जफर के उस्ताद थे और सौदा के बाद बड़े कसीदा गो शायरों में शुमार होते थे। कसीदों के साथ गजल गोई भी की। गालिब और जौक के दरमियान इल्मी मार्के भी हुए। मुगलिया सल्तनत के आखिरी ताजदार बहादुर शाह जफर भी अच्छे गजल गो थे। उनकी वजह से दिल्ली में शेर व शायरी की रौनक बाकी थी। उर्दू शायरों की जफर ने बड़ी सरपरस्ती की। बहादुर शाह जफर के बाद ये महफिल उजड़ गई और खुद बहादुर शाह को जीते जी दिल्ली से दूर होना पड़ा। कितनी मायूसी और अफसोस के आलम में उन्होंने कहा होगा, इतना है बदनसीब जफर, दफन के लिए दो गज जमीन भी न मिली, कोई यार में लगता नहीं है दिल मेरा, उजड़े दयार में। बहादुर शाह जफर के साथ ही हिंदुस्तान से सल्तनत मुगलिया का चिराग गुल तो हो गया, लेकिन उर्दू शायरी के आफताब को अभी गहन नहीं लगा था।
बल्कि यूं कह सकते हैं कि इस हादसे से पहले उर्दू की रोशनी दिल्ली की महफिल को रोशन कर रही थी और इसके बाद उर्दू पूरे मुल्क में बिखर गई और हिंदुस्तान के तमाम छोटे छोटे मराकज इल्म व अदब के मरकज बन गए और जुनूबी हिंद में दाग दहलवी फरमाते हैं, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी जबां की है। उर्दू शायरी को मीर की कुनूतियत, दर्द के तसव्वुफ, सौदा की हिजो, जौक की मदा, गालिब की अजमत, मोमिन की मामला बंदी और दाग तहलवी की शिस्ता जबानी ने वो अजमत दिलाई कि आज उर्दू दुनिया की इंतहाई शिस्ता और शाइस्ता जबानों में शुमार होती है। अपनी उम्र के लिहाज से शायद सबसे कम उम्र है, लेकिन अपने अदब और माहरीन जबान और दायरे असर के लिहाज से दुनिया की कदीम जबानों के हम पल्ला है। उर्दू अपनी शायरी की वजह से ज्यादा मशहूर है, लेकिन इल्म व अदब के दीगर मैदानों में भी उर्दू का पाया किसी भी तरक्की याफ्ता जबान से कम नहीं है। सर सैयद, हाली, मुंशी जकाउल्ला, शिबली नौमानी, पितरस बुखारी, कुंवर महेंद्र सिंह बेदी, कृष्ण चंदर, प्रेमचंद, इस्मत चुगताई, कुरतुलैन हैदर, रशीद अहमद सिद्दीकी और बेशुमार लोग हैं जिन्होंने उलूम, अदबियात, तारीख, साइंस और फलसफे पर उर्दू जबान में जो काम किया है वो बैनुल अक्वामी अहमियत का है। आज़ादी हिंद के बाद उर्दू जबान को फ़रोग देने और उसकी शानदार रिवायत की हिफाजत करने के लिए हुकूमत ने भी बाज़ अहम कदम उठाए हैं और अवामी सतह पर भी उर्दू को ज़िंदा रखने की बहुत सी कोशिशें हुई हैं। ख़ास तौर पर दिल्ली के दो गैर सरकारी इदारे बहुत अहम हैं, एक अंजुमन तरक्की उर्दू और दूसरा गालिब इंस्टीट्यूट। अंजुमन तरक्की उर्दू एक कदीम इदारा है, इसको बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक ने कायम किया था। खलीक अंजुम ने इसको बामे उरूज पर पहुंचाया और बड़ी तादाद में उर्दू की किताबें शाये कीं और इस वक्त अतहर फारूकी इसके जनरल सेक्रेटरी हैं। गालिब इंस्टीट्यूट 1969 में डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद के जरिए कायम किया गया। ये इदारा आज़ादी के बाद कायम होने वाले उर्दू इदारों में सबसे शानदार है, जहां पूरे साल मुख्तलिफ इल्मी व अदबी प्रोग्राम होते रहते हैं। इनके अलावा उर्दू एकेडमी, गालिब एकेडमी और इन जैसे मुतअद्दिद इदारे उर्दू जबान की आबियारी कर रहे हैं और ये उम्मीद की जाती है कि उर्दू जबान इसी तरह अपना इल्मी सफ़र जारी रखेगी और अहले दिल्ली इस बात को फिर से पूरी तरह महसूस करेंगे कि उर्दू जबान की जोत दिल्ली ने जलाई थी, उर्दू की तरक्की दिल्ली की नामूरी और दिल्ली की शान है। कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कुछ अपनी तारीखें और कुछ वजूद पर करें नजर, कहां से कौन है हम हर हुदूद पर करें नजर। वक्त के साथ साथ कैसे लड़ी
वक्त ने है जंग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। मैडम फेशियल कैसा लग रहा है? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का।